अस्सलामुअलैकुम जी, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों के साथ अपने हाथ की स्टोरी शेयर करने से पहले मैं बाजरा भी लेने गया हुआ था, अभी ले के वापस आया हूँ। तो ये हैं जी मेरे कबूतर और ये हैं ऊपर पैरट्स। पैरट्स में ऑस्ट्रेलियन है और एक लव बर्ड्स हैं, वो डब्बे में हैं। और ये हैं जी कबूतर, माशाल्लाह बहुत प्यारे कबूतर हैं। और अब मुझे नहीं पता ये नस्ल कौन सी है कबूतरों की। ये अबू लेके आए थे तो बहुत प्यारे हैं, वो अपने दोस्त से लेके आए थे, एक किस्म का गिफ्ट आया था। तो ये हैं बहुत प्यारे हैं, देखने में बहुत प्यारे हैं। एवरी टाइम इनका जो ये चीज़ नहीं ऊपर ही रहती है, और ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं। अभी इनका बाजरा ख़त्म था तो ये मैं बाजरा लेके आया हूँ, इस साफे में जो पड़ा हुआ है। तो ये जो सामने ईंटें आपको नज़र आ रही हैं, ये ईंटें जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये मेरा कमरा है। तो यहाँ बाहर जो है वो मैं पिंजरा बनाना चाह रहा हूँ, मतलब बड़ा पिंजरा। ये ईंटें हैं और एक यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 6 मैं रखना चाह रहा हूँ, उसकी चौड़ाई जो है मैं उसकी 6 रखना चाह रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास यहाँ पे भी जगह मौजूद है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भी मेरे पास जगह मौजूद है कमरे के बिल्कुल सामने, और वहाँ भी मौजूद है। तो मैं यहाँ बनाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर आउटडोर पड़ा हुआ है तो यहाँ पे बहुत फिट बनता इस बेड से, इस तरह यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आउटडोर पड़ा हुआ है तो वहाँ सामने बनाएंगे। वहाँ सामने बनाने क्या मकसद है, वो किस लिए है कि एक तो दूर से नज़र आएगा, और दूसरा अब यहाँ बनेगा तो यहाँ पे दीवार लगेगी, तो फिर देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। जो मतलब यहाँ बनेगा ना, जिस तरह ये पड़ा हुआ है नीचे, इसी तरह इसमें बड़ा बड़ा बनेगा। तकरीबन 6 फीट हाइट होगी उसकी। अब मेरी मेरा जो कद है वो तकरीबन 5-6 है, तकरीबन 5-6-5-7 है। तो इस हिसाब से अब 6 फुट बनाऊंगा तो इतना बन जाएगा, 6 फीट तकरीबन इतना बनेगा 6 फीट। तो अब यहाँ पे से यहाँ बेहतर है। नीचे मैंने रद्दे लगाने हैं, तकरीबन 1.5 फुट 1 फुट तक रद्दा होगा, फिर उसके ऊपर जो है वो मैं ले के आऊँगा। जैसे ये मेरे छत की चादरें पड़ी हुई हैं, मैं दिखाता हूँ। ये जो अलार्म है ये वाले, ये तो बड़े अलार्म है ना, एक ये छोटे अलार्म होते हैं, जैसे ये खिड़की बनी हुई है, ये वाली जो खिड़कियाँ जैसे बनती है ना, ये वाले लेके आऊँगा। ये तकरीबन एक लेंथ की जो लंबाई होती है वो 20 फीट लंबाई होती है, तो ये मैंने लेके आने हैं। तो यहाँ पे मेरा बनाने का मूड है। ये जी कबूतर देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं यहाँ पर इसे छोड़ता हूँ। वह उड़ना नहीं है यार, तो अभी चलते हैं कमरे में। बाजरा मैंने डाल दिया है तो अभी कमरे में चलते हैं, और वहाँ जाके मैं आपको ना अपने हाथ की सिचुएशन बताता हूँ कि मेरे हाथ के साथ क्या हो रहा है आजकल। हाँ जी, तो अभी मैंने माइक लगाया है, अभी आपको आवाज़ में डिफरेंस फील हो रहा होगा, मतलब मुख्तलिफ़ आवाज़, मतलब आवाज़ ज़्यादा शायद क्लियर और अच्छी आ रही हो। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये जो मेरी हाथ की कलाई है, इस कलाई में मुझे दर्द हो गया था, तकरीबन 3 महीने से दर्द है। और मैं इसे जब पुश करता हूँ तो मुझे दर्द होता है, मतलब जब डेंट निकालता हूँ दर्द होता है, जब मैं पुल करता हूँ, कोई चीज़ खींचता हूँ, वज़न उठाता हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। इस तरह करता था तो यहाँ एक जेली होती है यहाँ, तो वहाँ यहाँ पे दर्द होता है जेली में। तो मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर साहब ने कहा जी, मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। पहले मैं आपको अपना एक्सरा दिखा देता हूँ हाथ का। ये जो रिपोर्ट है ये हेल्थ वेयर्स वालों की है, ये मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं ना, टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, एक्सरे रिपोर्ट्स होती हैं, ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छी होती हैं। अब ये मेरे हाथ का एक्सरे है, और यहाँ पे पूरी दुनिया टूटी हुई होती है, इतनी रश होती है हेल्थ वेयर्स में। ये मतलब कलाई का मैंने करवाया था, कलाई में दर्द होता था, तो उन्होंने दो तरह से लिया, एक यूँ लिया, इस दो तरह से उन्होंने लिया था। यहाँ पे अब मुझे डॉक्टर साहब ने चेक किया, यहाँ पे ये वाली हड्डी का और ये हड्डी का, तो उन्होंने कहा जी आपकी हड्डी बिल्कुल ठीक है। और बकायदा उन्होंने ये रिपोर्ट भी बनी है मेरी, और रिपोर्ट में इन्होंने लिखा भी है नो बोन इंजरी
तो ये हेल्थ वेज वालों की रिपोर्ट मैंने कहा शेयर कर दूँ आपके साथ, और ये एक्सरे आ गया। तो इसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयाँ लिख के दी हैं, ये दवाइयाँ विटामिन डी की इन्होंने दवाइयाँ मुझे लिख के दी हैं, टाइम निकाल के आता हूँ। ये वाली, इस दवाई का नाम है सल्काल डी SALCALD सल्काल डी। एक और उन्होंने ये गोली दी थी, बिल्कुल छोटी सी गोली है, सीरियोट SRIOT सीरियोट। इसके बाद मुझे, पहले मैं गया हूँ डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने मुझे यह लिख के दी डेक्लोरान जेल उन्होंने लिख के दी। उन्होंने कहा जी डेक्लोरान जेल आपने लगा के ऊपर से आपने जो गर्म पट्टी है ये आपने हाथ पे बांध लेनी है। घर में मेरे ये वेंटोजीन भी पड़ी हुई थी, तो मैं वेंटोजीन की पहले करता था मालिश, फिर मैं जब एक्सरा चेक करवाने गया। इसके अलावा मेरे पास आयोडेक्स भी है, आयोडेक्स ये भी दर्द के लिए, दर्द की जो हो, जहाँ पर दर्द हो, दबाव हो, वहाँ लगाया जाता है। तो जब अगले दिन मैं एक्सरा चेक करवाने गया, तो फिर डॉक्टर साहब को मैंने बताया, मैंने कहा जी जो पहले वाले डॉक्टर साहब थे उन्होंने ये लिख के दी है, तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से एक लिख के दी फोरबेन जेल FOBENGEL। तो इसका जो फार्मूला है ना, वो ब्रोफीन का फार्मूला है, फ्लोरबिफ्रीन ये इसका फार्मूला है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा या नहीं आ रहा, ये तो जब छोटे होते थे हम, तो हमें वो पेनाडॉल का सिरप और ब्रोफीन का सिरप पिलाया जाता था, तो ये तो उसकी मतलब ब्रोफीन की एक किस्म की बहन ही हुई। तो जितने भी मेडिकल में दवाइयाँ शवाइयाँ होती हैं ना, तो वो सारी मिलती जुलती होती हैं। अब एक आंखों की ये ड्रॉप्स थे वो ले के आए हैं, तो घर में मैंने उसका जो फार्मूला पढ़ा, तो ऊपर लिखा हुआ था डेक्लोरान, मतलब जो डेक्लोरान दर्द के लिए टीका लगाया जाता है, वही जो है ना आंखों में भी एक किस्म उन्होंने मकदार बनाई हुई है, और पता नहीं क्या क्या डाला है बीच में, उसका फार्मूला डेक्लोरान का है, तो आंखों में भी वही चीज़ डालते हैं। सारी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। अब फ्लोरबिफ्रीन, अब मैं ये लगा रहा हूँ,